वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट ने पुलिस अधिकारियों को जिले भर के थानों व चौकियों का निरीक्षण कर पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करने के क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था चौक चौबंदी रखने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में एसपी सिटी क्राइम हरबंस सिंह ने लाल कुआं पहुंचकर बिंदु खत्ता व लाल कुआं में स्थानीय लोगों के बीच चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। बैठक के दौरान एसपी सिटी हरबंस सिंह ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उधम सिंह नगर में सटे होने के कारण और क्षेत्र के बाहरी लोगों की आवाजाही के चलते क्षेत्र में नशा तस्करों की गतिविधियां ज्यादा रहती है। ऐसे में पुलिस को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और गांव में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक कर कमेटियां गठित करके महिला शिक्षण संस्थानों के आसपास गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। और एसपी ने कहा कि अगर पुलिस के पास महिला के विरुद्ध अपराध की कोई शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। रात्रि चौपाल में लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया और लोगों द्वारा वह क्या कराया गया कि यहाँ पर ट्रैफिक की और मैट की और शराब की बिक्री की अगर बिक्री की टीचर द्वारा सूचना दी गई। मेरे द्वारा क्षेत्र अधिकारी लालकुआ और इंस्पेक्टर लालकुआ को बताया गया कि जो जनमानस जो सूचनाएँ दे रहे हैं उनके उन सूचनाओं पर कार्य किया गया और मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो यहाँ के लोकल के अधिकारी हैं इससे अच्छे से कार्रवाई करेंगे, ट्रैफिक को भी रेगुलेट करेंगे और स्मैक की जो भी सूचना प्राप्त होती है और शराब की जो भी सूचना प्राप्त होती है उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल इसके लिए लगातार निर्देशित किया जाता रहा है, अभी निर्देशित किया गया है कि जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त बढ़ाई जाए और कोई भी अगर सूचना थाने पर आती है तो सूचना को तुरंत अटेंड किया जाए। को लेकर ये सत्यापन का अभियान हम यहाँ पर चलाने जा रहे हैं, हम यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लेके सत्यापन कराएंगे और इसके अलावा भी जो रेडी वाले हैं।